नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर पालिका के दो पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद और हरीश दुबे ने समर्थकों संग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। खटीमा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे पूर्व पालिका अध्यक्ष अनवार अहमद, हरीश दुबे, सरफराज अहमद, राजू और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे अनवार अहमद ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी राम नगीना प्रसाद आदि ने पार्टी की विचारधाराओं से आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही सभी वर्गों का हित सुरक्षित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर खटीमा विधायक भुवन कावड़ी, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक संजीव आर्य, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, वरिष्ठ कांग्रेसी नवतेज पाल सिंह, हरपाल सिंह, सरताज अहमद, करण जंग, हरप्रीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अख्तियार अहमद, पटौदी नारायण बीस, आजम मलिक, सिराजुद्दीन, गुरनाम सिंह करनावल, सरदार हसन, दयानंद सिंह, विपिन खोलिया, मुख्तार अंसारी और जाकिर अंसारी मौजूद रहे। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं तो कई दिनों से जब से नामांकन किया है लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ। नैनीताल जिले के कार्यकर्ताओं के साथ भी मिला, भीमताल और बाकी जितनी और हमारी नैनीताल हो गया, लाल कुआं, सभी कार्यकर्ताओं से मिला। आज सुबह से खटीमा से शुरुआत करी, बड़ी विशाल मीटिंग, बड़ी बहुत भारी मीटिंग भुवन कापरी जी ने वहाँ रखी। नानक पत्ता आए, यहाँ आए, बहुत ऊर्जा है यहाँ। तो अभी मैं अगले दो दिन और कल तक कार्यकर्ताओं के बीच हूँ, परसों से हम पब्लिक के बीच कैंपेन के लिए चले आएंगे। और मेरा विश्वास है, मैं जिस तरह से उत्साह देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जनता की खबरें मुझ तक आ रही हैं, निश्चित तौर पर भारी बहुमत से हम इस सीट को जीतेंगे। नहीं, क्या चुनौती, कोई चुनौती नहीं, हम जीतेंगे और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे, इनकी मेहनत से जीतेंगे। महसूस क्या हो रहा है कि आज मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और ये मान के चलिए कि जो यहाँ पर, यहाँ क्या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो उत्पीड़न का, भय का, डर का जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को समाप्त करने के लिए मुझे लगा कि अब मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये बात महसूस करी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य वर्ग हो, पर्वतीय हो, पूर्वांचल का हो, सभी वर्गों को अगर कहीं पर पूरा सम्मान मिलता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आप देखिए कि आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं वो दो तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो वो जा रहे हैं जिनको अपना धंधा करना है, धन कमाना है, या वो लोग जा रहे हैं जो चोर टाइप के लोग हैं, जो अपनी चोरी से बचने के लिए जा रहे हैं। और जो कांग्रेस में इस समय जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो संघर्ष करना चाहते हैं उत्पीड़न के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भय के खिलाफ, विरोध के खिलाफ। इस तरीके का आप देखिए पूरे शहर को कैसा उजाड़ दिया, इस तरीके से सब जगह जो उजाड़ने के खिलाफ जो आना चाहता है वो कांग्रेस में आ रहा है। और यही सब चीज़ों को लेकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं कांग्रेस में आया हूँ। क्षेत्र में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अंतरों से जो है हम भाजपा को यहाँ से हरा कर भेजेंगे। मुझे लगा कि मुझे अब ऐसे दल में जाना चाहिए जहाँ पर सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो है कि सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को पूर्ण सम्मान मिलता है, मान मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने मन से जुड़ रहे हैं और स्वतः जुड़ रहे हैं। और आप देखिए भाजपा में कैसे जुड़ रहे हैं, किसी पे मुकदमा लगा दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, किसी का उत्पीड़न कर दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, या किसी के साथ ब्लैकमेलिंग कर दी जा रही है वो जुड़ रहा है। आप ये लगाइए कि वहां पर आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं वो दो तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो वो धन कमाने जा रहे हैं या फिर वो चोर हैं। तो इस तरीके, क्योंकि चोरी से बचने के लिए वो जा रहे हैं या वो धन कमाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में भी धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे हैं वो इन जो वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, भय का वातावरण बना रखा है, डर का वातावरण बना रखा है, उस वातावरण को समाप्त करने के लिए, उस चीज को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए आज मैंने कांग्रेस में ज्वाइनिंग ली। लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? लोकसभा चुनाव ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में ये नगरपालिका क्षेत्र जो है, ये मान के चलिए कि इस नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस निश्चित रूप से ये जीत कर आएगी, क्योंकि लोग बैठे हैं और इस समय ताक रहे हैं कि
आने वाली परिस्थिति, आने वाला टाइम कैसा होगा। लोग चुप जरूर हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि पोलिंग बूथ पर वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब बॉक्स खुलेंगे 4 तारीख को, तब आपको दिखाई देगा कि परिणाम क्या होंगे। परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।